कुक विद लुबना को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल के बटन को जरूर दबाइए, तभी मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आप सुन सकते हैं। हमारी आलू टिक्की कितनी कुरकुरी बनकर तैयार हुई है। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम कुरकुरी आलू की टिक्की। ये बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसी टिक्की आप ठेलों पर खाते होंगे या फिर आप बाज़ार में चाट की दुकान पर खाते होंगे। और ये हम देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए है। तो कुरकुरी टिक्की बनाने का ख़ास और सबसे मेन स्टेप है आलू को उबालना और फिर इसको ठंडा कर लेना। यानी कि मैंने आलू को उबाला, फिर मैंने 3-4 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया, तो अब ये बिल्कुल ठंडे हैं। आलू ठंडे होंगे तभी ये कुरकुरी बनेगी। दूसरी ख़ास चीज़ें जो कि ठेले वाले या चाट वाले इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं चावल का आटा। ये आपको बहुत ही आसानी से किसी भी किराना की दुकान पर मिलेगा। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून चावल का आटा लिया है और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। लेकिन अगर आपको किसी वजह से चावल का आटा नहीं मिल रहा है तो आप 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल लें और 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक आप सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इसको कुरकुरा बनाने में काफ़ी मदद करेगी। 2 टेबलस्पून हरा धनिया लेंगे और 1 इंच की अदरक को हम कद्दूकश कर लेंगे और 2 से 3 हरी मिर्च को मैंने क्रश कर लिया है। इससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आप इसको बारीक काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून काला नमक लेंगे और 1 टीस्पून सफ़ेद नमक लेंगे। वैसे नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं। 1 टीस्पून खटाई लेंगे यानी कि अमचूर पाउडर, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है टिक्की में। 1 टीस्पून धनिया पाउडर लेंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर लेंगे, ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो ऐड कीजिए वरना स्किप कर दीजिए। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लेंगे। सबसे पहले हम आलूओं को कद्दूकश कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथों से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से ये ज़्यादा स्मूथ बनती है टिक्की। ये देखिए हमने सभी आलूओं को ग्रेट कर लिया है, अब हम इसमें सभी मसाले ऐड करेंगे। तब मसाले ऐड कर लेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च और लाल मिर्च ऐड करेंगे, नमक और काला नमक ऐड करेंगे, ज़ीरा और धनिया पाउडर ऐड करेंगे, अमचूर पाउडर ऐड करेंगे, चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे, अदरक और हरी मिर्च ऐड करेंगे, हरा धनिया, साथ में ऐड करेंगे चावल का जो हमने आटा लिया है और कॉर्नफ्लोर, और इन सभी को हम बहुत अच्छे से मिला देंगे। सभी मसाले हमने आलूओं में बहुत अच्छे से मिला दिए। अब हम अपने हाथों पर थोड़ा सा तेल अप्लाई कर लेंगे ताकि ये हाथों में ना चिपके, और इसमें से एक पोर्शन लेकर हम टिक्की का शेप देंगे इसको। ये देखिए मैंने इसको मीडियम साइज़ का बनाया है, आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। और इसी तरह से हम बाकी की सभी टिक्कियां रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने अपनी टिक्कियां तैयार कर ली हैं। अब हम इनको डीप फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। अब हम मीडियम हीट पर तेल गर्म करेंगे और इसमें आलू की एक छोटी सी बॉल डालकर देखेंगे। ये देखिए तैरना शुरू हो गया है फ़ौरन, इसका मतलब है हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें आलू की टिक्की ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर मैं आलू की टिक्की को डीप फ्राई कर रही हूँ तभी इसमें अच्छा कुरकुरापन आएगा, लेकिन आप अगर शैलो फ्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बस टिक्की थोड़ी कम क्रिस्पी बन पाएगी। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और उलट पलट कर हम इसको हर तरफ से नाइस गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमको मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पर इसको गोल्डन होने में तीन से चार मिनट हमने इसको अलट पलट कर हर तरफ से फ्राई कर लिया है और हमारी आलू की टिक्की एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है, ये देखिए। और आप इसकी क्रिस्पीनेस सुन सकते हैं, ये कितनी क्रिस्पी है। और ये लीजिए हमारी एकदम कुरकुरी आलू की टिक्की बनकर तैयार है। आप इसको सॉस से या फिर हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आप इसकी चाट बनाना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने आलू की टिक्की की चाट की रेसिपी शेयर करी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप वहां से देखकर इसी टिक्की की चाट भी बना सकते हैं।